Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं बहुत दिनों बाद एक रिव्यू करने जा रही हूँ एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड रिव्यूज. बहुत टाइम बाद मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है किसी प्रोडक्ट के लिए एंड दैट इज द ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर. दिस इज वॉट द बॉटल लुक्स लाइक. सो टूडे मैं इसका रिव्यू करूंगी, वेयर टेस्ट करूंगी एंड आपको बताऊंगी मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं है. आई एम ऑल्सो वांट टू शो यू गाइज हाउ आई अचीव दिस मेकअप लुक एंड फिर उसके ऊपर मैंने जब ये ट्राई आउट किया so what were the results just to make this as transparent as possible. I hope you all find this review video helpful. Don't forget to subscribe to my channel. Uske liye red subscribe button pe click kar dena. Click on the bell button right next to it so that you get notifications whenever I upload a new video. Don't forget to follow me on Instagram and like I always say, let's get started. Okay, so this is the final makeup look and I really like the way this has turned out. बहुत ही subtle है but at the same time मैंने एक full face of makeup किया है. So from primer, foundation मैंने सारा सब कुछ लगाया है so that I can test out this new blue heaven makeup fixer spray. ये बहुत पहले I think 2-3 हफ्ते पहले launch हो चुका है market में and ये मैंने purchase किया है कफ्स एंड लैशेज से. ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा. They have all blue heaven products. जब मैंने ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर देखा इट इंस्टेंटली रिमाइंडेड मी ऑफ द ब्लू हेवन प्राइमर. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है पैकेजिंग वाइज एंड मुझे लगा कि ये इसके साथ बहुत अच्छे से जाएगा. दैट वॉज माई फर्स्ट थॉट. सो लेट्स जस्ट सी इफ दिस वर्क्स और नॉट. आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. दिस ऑल्सो रिटेल्स फॉर 300 रुपीज. ये 300 रुपये का है जस्ट लाइक द प्राइमर. द प्राइमर इज ऑल्सो फॉर 300 रुपीज. अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा प्राइमर का मेक श्योर यू वॉच इट. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो लाइक ऑलवेज आई एम गोना टॉक अबाउट द प्राइस, द पैकेजिंग एंड द प्रोडक्ट इट सेल्फ. इसका जो यूनिक आर्टन है बहुत ज्यादा अच्छा है. आई एम सॉरी लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है बट इट जस्ट सेज ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर मिस्ट स्प्रे ऑन फॉर्मूला. ये पैराबेन फ्री है. गुडनेस ऑफ एलोवेरा, विटामिन ई एंड विटामिन B5. सो दिस इज जस्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है. साइड में यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे यूसेज के बारे में लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है. सो इट सेज ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर हेल्प्स इन सेटिंग योर मेकअप फॉर अ लॉन्गर स्टे एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू वाइप ऑफ
with touch or run off with perspiration. यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है इसके डिस्क्रिप्शन में, बट बेसिकली इट सेज दैट इट मेक्स योर मेकअप लॉन्ग वेयरिंग एंड स्वेट प्रूफ. द एक्चुअल स्प्रे बॉटल लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द बॉटल, पर्पल कलर का है एंड इस पे भी वो सेम चीज लिखी हुई है, ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर, पैराबेन फ्री. इंग्रीडियंट्स में इसके अल्कोहल भी है, सो दैट इज समथिंग यू वॉन्ट टू कीप इन माइंड. एंड इट सेज दैट इट हैज 150 मिलीलीटर्स ऑफ प्रोडक्ट. इसके बॉटल में लिखा हुआ है 15% एक्स्ट्रा, सो 100 + 15 यू गेट 115 मिलीलीटर्स ऑफ प्रोडक्ट. अगेन दिस इज फॉर 300 रुपीज. यहाँ पे एक अच्छा सा कैप आता है, अंदर एक और छोटा सा कैप आता है विच यू कैन टेक इट ऑफ. आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ दिस स्प्रेज, बिकॉज मेरा जो पैक का नोजल है आई रियली लव इट. वो इतने अच्छे से पूरे फेस को सेट कर देता है एंड बहुत फोर्स से प्रोडक्ट ने निकलता है, सो यू नो इट डजंट डिस्टर्ब माई मेकअप. वो ईजिली मेरे फेस पे एक बहुत ही लाइट मिस्ट की तरह बैठता है. सो आई एम जस्ट कीपिंग अ वेरी गुड डिस्टेंस एंड देन आई एम जस्ट गोना. Wow. So I don't know what it smells like, but इसमें एक fragrance है and it is lingering on for a while. I'm not too mad about it, but हाँ थोड़ा overpowering smell है इसका. It smells like, I don't know what it smells like, but मैंने हाथ में जब इसको spray किया so my hand is extremely sticky. Oh my god. Like can you see like my hand is so sticky. Although my hand was feeling very sticky, मेरा face बिल्कुल भी sticky नहीं है and ये बिल्कुल completely मेरे skin में absorb हो चुका है. My face doesn't look too luminous. I think it looks pretty good. This is just highlighter. Right now, I'm kind of liking this honestly because मैंने expect किया था कि मेरे face को बहुत sticky बना देगा but बिल्कुल भी sticky नहीं लग रहा. And it looks the way I want it to look and also it is not sticky. मैंने बहुत बार ये बोल दिया है but yeah, I'm pretty happy about that fact. So first impression wise, I am liking this product. Also, I like the fact that this is paraben free and also I like the claim कि ये long wearing बना देता है आपके makeup को, which we are going to test it out because मैं इस पर wear test कर रही हूँ. Right now, I think it's around 12 o'clock, so I'm just going to see you guys in a while, like 2-3 hours में and let's see if my makeup moves at all. I'm planning to take a nap, so सोने के बाद पता चल जाएगा कि हमारा फेस कैसा लगेगा. Okay, guys, it's time for an update. अभी हो रहे हैं 3:14, you guys can see. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ. आई डिड नॉट स्लीप बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट वीडियोज. एनी वे सो लुक एट माई फेस, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज द बेस्ट लाइटिंग आई कुड फाइंड एंड आई थिंक माई मेकअप लुक्स प्रिटी ग्रेट. मैंने अराउंड 12:30ish अपना वीडियो कम्प्लीट कर लिया था. आई थिंक माई फेस लुक्स वेरी डिसेंट. मेरा मेकअप बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ है. ऑल्दो आई एम गेटिंग अ लिटल स्वेटी अपर लिप एरिया में, बट दैट इज़ फाइन. इट इज़ इनक्रेडिबली हॉट, 43-44 डिग्रीज है. सो या दैट इज़ गोइंग टू हैपन नो मैटर मैं क्या प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाती हूँ. ऑल्सो आई थिंक दैट माई फेस इज़ लुकिंग प्रिटी मैट, बहुत शाइनी नहीं लग रहा एंड इवन अराउंड माई नोज़ वगैरह शाइनी नहीं लग रहा है. सो दैट इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट. मैं एक और चेक इन करूँगी इन अ फ्यू आवर्स, लाइक 5 o'clock. ओके यू गाइज, आई एम हियर फॉर माई फाइनल अपडेट एंड इट इज़ राइट नाउ 6:10. हियर यू गाइज कैन सी. अच्छा तो मैं बीच में थोड़ी देर सो भी गई थी, सो दैट इज़ वाई आई जस्ट दिस लुक इज़ अ मेस. नाउ आई हैव अ टिश्यू पेपर बिकॉज आई वांट टू ब्लॉट माय फेस. मैंने अभी फैन ऑफ कर रखा है सो आई एम स्वेटिंग मोर, बट आई जस्ट वांट टू सी कि कितना मेकअप निकलता है सिंस इट सेज कि इट मेक्स मेकअप लॉन्ग लास्टिंग एंड स्वेट प्रूफ. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इट डज एक्चुअली. मैं सो हियर यू गो, दिस इज़ व्हाट द टिश्यू पेपर लुक्स लाइक. आई टोल्ड यू गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा ऑयली हूँ. थोड़ा मेरा फाउंडेशन एंड कंसीलर वगैरह तो निकल गया है, बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट आई थिंक माई मेकअप लुक्स प्रिटी डिसेंट. मेरा फाउंडेशन वगैरह कम्प्लीटली नहीं निकला, ऑल्दो मैं सो गई थी एंड इट्स बिन मोर देन 6 आवर्स. माई ब्लश, माई हाईलाइट, माई कॉन्टोर, एवरी थिंग इज इन टैक्ट एंड आई एम प्रिटी सरप्राइज विद दिस प्रोडक्ट यू गाइज. लाइक मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा एंड आई रियली थॉट that my face will look extremely oily क्योंकि इसमें castor oil and vitamin E oil है, तो वो generally dry skin के लिए ज़्यादा suitable होता है. Overall I think my face looks pretty good. मेरे nose के around थोड़ा बहुत ये oily and sweaty है, but yeah that is okay. वो
हो ही जाता है नो मैटर वॉट आई यूज. इट इज इनक्रेडिबली हॉट. सो इस प्रोडक्ट ने इतना भी इस मेकअप को बचा लिया. आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज. आई वुड गिव दिस प्रोडक्ट अ गुड 8/10 ऑनेस्टली. इतने अच्छे प्राइस में इतना सस्ता प्रोडक्ट जो इतना अच्छा क्वालिटी का मिलना बहुत मुश्किल है. ब्लू हेवन हैज अगेन डन एन इनक्रेडिबल जॉब विद दिस प्रोडक्ट. आई थिंक वॉट मेक्स दिस प्रोडक्ट अ स्टील इज द प्राइस पॉइंट and the quantity and everything. So yeah, I am happy. I'm going to get rid of this makeup now because yeah, I am super tired. I hope you found this review video helpful. Make sure you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, and I will see you guys next time. Bye bye.